मॉर्निंग गाइज, नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास 9 से, क्लास आपका ये 9th है। सब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं। ये आपका वीडियो क्लिप 28 है। आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे स्पीच के बारे में। स्पीच का अभी तक हम लोग जनरल देख रहे थे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब हम लोग स्पेशली में देखेंगे सेंटेंस का फॉर्म्स के ऊपर, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव का कैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। अभी तक जो भी आप जनरल में रूल पढ़े हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सब आपका एसर्टिव सेंटेंस था, क्योंकि सब जो है स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट था, एंड ऑफ द फुल स्टॉप था। तो यही आपका एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो एसर्टिव सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक आप जितना भी रूल्स पढ़े हैं वो सब आपका एसर्टिव था। अब हम डायरेक्ट जो है इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे वॉइस हम लोग बनाएंगे, कैसे वॉइस बोलेंगे, कैसे हम लोग जो है स्पीच चेंज करेंगे डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो फेज होता है आपका। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट। तो ध्यान रखिए, तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या करना है। जैसे लिखा गया राम सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इसको बनाने के लिए हम लोग एसर्टिव क्या करेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, चूंकि ये डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट इज योर नेम। तो बनाने के लिए कल बताया कि डिस्कस कीजिए कि आरवी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्ट में या इंक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये बन जाएगा राम आस्ट मी। अब यहाँ सवाल है डैट का यूज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में होगा कि नहीं होगा, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखिएगा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो तो ऐसी स्थिति में डैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। डू नॉट यूज ऑफ डैट, डैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है अगर वह हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो उसके जगह पर जो है इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अगर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो, ऐसा सेंटेंस हो, व्हाट इज योर नेम, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो, वैसी स्थिति में क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है उसको हम लोग जो है एसर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, व्हाट का तो व्हाट रहेगा, इज योर नेम है, इज योर नेम को हम लोग जो है एसर्टिव बना लेंगे, पहले सब्जेक्ट को रख लेंगे। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आपका मी है, क्योंकि यहाँ योर पोसेसिव केस में है, जो जिस केस में रहता है उसी में कन्वर्ट होता है। तो मी का पोसेसिव के आपका जो है माई हो जाएगा, माई नेम। और आपका टेंस देख रहे हैं तो टेंस आपका जो है व्हाट इज योर नेम, आपका प्रेजेंट टेंस। तो रूल हम जनरल में सीखे थे कि अगर आरबी आपका पास्ट टेंस में हो और आरएस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का जो टेंस होता है कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इज जो है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा और इज का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा और लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज कर देंगे। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम का बन जाएगा राम आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। एक और सवाल देखते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो क्या कीजिएगा। जैसे लिखा गया कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आरबी आपका जो है पास्ट टेंस में है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आरबी को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आस्ट में, राम आस्ट मी। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ डैट का प्रयोग तो होगा नहीं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इंट्रोगेटिव में हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ई या तो इफ लिख सकते हैं या वेदर लिख सकते हैं, जो कि इफ का मतलब होता है आंसर में भी यस, वेदर का मतलब है आंसर में भी यस, हाँ भी और ना भी के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो राम आस्ट मी इफ। अब आर यू रीडिंग अ बुक को हम लोग जो है एसर्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यू आर रीडिंग अ बुक एसर्टिव होगा, तो यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, चूंकि यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में नोमिनेटिव केस में काम कर रहा है, तो मी का नोमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। और ये आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर आरबी पास्ट टेंस में हो, आरएस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट करते हैं।
तो आर का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट जो है आपका वाज हो जाएगा, तो आई वाज रीडिंग अ बुक, यही जो है आपका क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव जो है सर्टिव में बदल गया और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो गया। डायरेक्ट में जो लिखा गया था राम से तुम्हें आर यू रीडिंग अ बुक, उसका इनडायरेक्ट बन गया राम आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, होमवर्क में इस टेंस को आप लोग जो है सेंटेंस को जो है स्टडीज करके आएंगे। दैट्स ऑल बी, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।